पाठक साहब जो ये सी एस है उन्होंने सर्जरी ये कर स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब ऑपरेशन थोड़ा सख्त कर दिया दिन नहीं, नहीं आए तो नाम काट दिया। नहीं नाम काट देगा कोई कारण बताएगा ना कि हम इस कारण से नहीं आए तो नाम फिर जुट जुटेगा उसमें ऐसा थोड़े कि नाम कट जाएगा तो फिर दोबारा नाम लिखाएगा ही नहीं

मुख्य सचिव एक अलग ही राग अलाप रहे हैं आपने देखा है कि वो कैसे सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और अब तो के के पाठक ने बड़ा आदेश दे दिया है साफ कहा है कि जो भी बच्चे तीन दिनों तक लगातार स्कूल नहीं आते हैं फौरन से उनका नाम स्कूल से काट देना चाहिए तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि के पाठक के आदेश के पीछे की बड़ी वजह क्या है सवाल ये भी उठता है कि क्या के, के पाठक ऐसा आदेश देकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और उस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी धन्यवाद के के। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद लिखा गया है साफ साफ लिखा गया सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है अब संविधान आप बोल दीजिएगा तो हम क्या बोलेंगे जी देखिए ए जो राइट जो राइट टू एजुकेशन बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप जो बात बोल रहे थे और जो संविधान में लिखा हो दोनों विरोधाभास में अच्छा। उसमें यह लिखा गया है कि राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन कंपलसरी किया गया है कि छह से चौदह साल के बच्चों को राज्य शिक्षा दे मुफ्त में दे और गुणात्मक शिक्षा दे क्वालिटी एजुकेशन दे यह नहीं कहीं जाके नाम लिखा जाए बैठने की व्यवस्था ना हो स्कूल का टप टप छत चूता हो बाथरूम व्यवस्था ना हो शिक्षक अच्छे नहीं हो वो नहीं, शिक्षा नहीं गुणात्मक शिक्षा आखिर हम लोग जितने भी लोग अभी समाज में जहाँ भी हैं उसमें नाइन्टी लोग तो सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं बल्कि जो वहाँ भी जो गए हैं कल परसों हम किसी गए थे किसी बड़े पदाधिकारी से मिले थे तो हमने कहा कि आप कहाँ से पढ़े तो हमने उन्होंने कहा सरकारी जो क्यों कम उम्र की महिला थी हमें लगा तीस पैंतीस साल की महिला होगी क्लास वन रैंक के अफसर बोली कि हम गाँव के स्कूल से पढ़े हुए हैं बिहार के तो गाँव की शिक्षा देखिए पहले सरकारी स्कूल में अच्छे शिक्षक भी होते थे पढ़ाई भी होती थी अब बच गई बात जो आपने कुछ बात अभी की वो तो उसके अनुरूप ही कर रहे हैं ना कंपलसरी एजुकेशन स्कूल जाइए जाके स्कूल में पढ़ाई करिए शिक्षक जाके पढ़ावें हुआ ये है कि बहुत दिनों से शिक्षक स्कूल नहीं जाते थे लड़के बच्चे स्कूल नहीं जाते नहीं थे ऊपर तो से वो हो गया मध्यान्ह भोजन ये बहुत बड़ा घोटाला का कारण हो गया बच्चे आए बीस खाना बना डेढ़ सौ आदमी का या दो सौ आदमी का तो वो एक, -एक बहुत बड़ा स्कैम बन गया था और उसमें नीचे से ऊपर तो सब लोग जुड़े हुए थे काफ़ी उसमें हिसाब किताब चल रहा था अब इन चीज़ों को जो होता है ना कि जब बीमारी बहुत बढ़ गई है तो सर्जरी शुरू हो गई तो देखिए पाठक साहब जो ये सी एस हैं उन्होंने सर्जरी ये स्टार्ट, कर स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया अब ऑपरेशन थोड़ा सख्त कर दिया उसमें यह भी सुने कि तीन दिन जो बच्चा नहीं आएगा उसका नाम काट दिया जाएगा यह हाँ। थोड़ा सा असंवैधानिक इसलिए होगा हाँ। कि बच्चा किस कारण से तीन दिन नहीं आए देखिये हमारा बच्चा भी डी में पढ़ता है तो अगर बच्चा एबसेंट होता है तीन दिन हो गया सात दिन हो गया तो हम लोग एक मेल पर लिख देते हैं कि हमारे बच्चे को तबीयत खराब है बुखार है फ्लू हो गया वायरल है या इस कारण से हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ भी बात अगर है तो लिख के देना पड़ता है कभी किदार अगर लिख कर नहीं दे पाए जिस दिन वो ज्वाइन करता है स्कूल उस दिन वो अप्लिकेशन लिख लिक करके के देता है लेकिन हम लोग की बात तो अलग है बिहार के जो आ, आ, आम लोग उसकी स्थिति आप जानते हैं बहुत के माता पिता भी अप्लीकेशन नहीं लिख सकते तो उस हालत में होना ये चाहिए कि कोई बच्चा नहीं आ रहा है तीन दिन चार दिन सात दिन नहीं आया तो पता करना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है बीमार है शहर से बाहर चला गया उसके घर में कोई घटना घट गई बहुत देखे सारी देखे बात देखे बहुत सारे बातें होती जी। है एक बार बहुत पहले किसी आदमी का एग्जामिनेशन छूट गया था और उसको ब्लॉक कर दिया गया कि एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो उस केस के संजोक से हमको भी देखने का मौका मिला था हमने उस महिला से पूछा था कि आप एग्जामिनेशन दिन क्यों एग्जामिनेशन देने के नहीं आई उसने कहा कि उस दिन हमारी बहन जो है सो आत्महत्या कर ली थी अब जिसके घर में इतनी बड़ी घटना घटी कि वो एग्जामिनेशन देने कैसे आएगी तो ये जो तीन दिन वाली घटना है ये ब्लैंकेट नहीं होनी चाहिए तीन दिन हो या सात दिन हो हमने यह भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि फिफ्टी टू परसेंट अटेंडेंस हाजिरी अनिवार्य है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव है तो क्या 75 गलत है सेवेंटी फाइव परसेंट क्यों नहीं होगा

तो उसमें लड़के एबसेंट हो जाएंगे आठ दिन दस दिन एब्सेंट हो जाएंगे तो उस कारण को वो देखेंगे बिना किसी कारण को आदमी एब्सेंट है आएगा तो कुछ कारण बताएगा कि इस कारण दिया पता कर लीजिए उसके बारे में क्यों हम लोग तो शिक्षक ऐसे ऐसे थे कि बच्चे क्रिकेट खेलते रहते थे जाके मैदान से पकड़ के ले आते थे सिनेमा देखते रहते थे हॉल से खींच के ले आते थे घर में बैठा हुआ था गार्जियन जाके बोलते थे कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए हम लोग भी कभी स्कूल जाने के नाम पर कहीं और खेलते रहते थे तो आके खबर पहुँचाते थे अब शिक्षकों की अवधारणा समाज के हर वर्ग में गिरावट है तो वहाँ भी गिरावट है और अभी भी हम बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दिया जाए काबिल काबिल शिक्षक कर दिया जाए और जो उन्होंने कहा सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस कर दिया जाए तो जो निजी स्कूल में जो दोहन हो रहा है गार्जियन का अभी देखिए समाज में दस से बीस हज़ार कमाने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है वो अपने जब बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं हम लोग के तो लोग आते हैं कहते हैं हमारे मुंशी जी हैं बाकी कहते हैं सर वो अप्रैल में कुछ एडवांस हमको दे दीजिए हम क्यों एडवांस लेना चाहते हैं तो सर अप्रैल में इतना पैसा स्कूल में लग रहा है तो जो पैसा बताता उतना हम लोग को लॉ पढ़ने में नहीं लगा हम लोग तो हम नौ हज़ार रुपये में नौ लॉ कर गए थे और अब जो पहले कर रहे थे वो तो दो से तीन हज़ार में लॉ कर जाते थे और आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि छोटा बच्चा को इतना पैसा लग रहा है गार्जियन की हालत ख़राब है और इसलिए हालत ख़राब है वो जो आप बोल रहे हैं आर्टिकल ट्वेंटी वन ए उसको पूर्ण रूप से कारगर अगर कर दिया जाए कि प्राथमिक चौदह पंद्रह साल या अप टू क्लास टेन तक बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाए और क्वालिटी दिया जाए तो जो निजी स्कूल में जो दोहन हो रहा है वो दोहन बंद हो जाएगा और गार्जियन के साथ सांस, सांस लेंगे और क्वालिटी एजुकेशन होगा सारे बच्चे हो संस्कारी निकलेंगे ठीक है। जो महोदय उनका स्टेप्स अच्छा है हाँ। थोड़ी कार्य प्रणाली जो इस ढंग से कुछ हो रही है तो लोगों को थोड़ा कहीं अच्छा ये बताइए वकील साहब कि इस तरह का आदेश दे करके के पाठक कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं नहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे देखिए होना ये चाहिए सुप्रबंधन होना चाहिए जी। सुप्रबंधन में चूंकि बात एकदम बेपटरी गाड़ी चली गई है तो थोड़ा सा करा स्टेप लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है उसके विपरीत कहा संविधान से कहा विरोधा भाषा संविधान नहीं आए तो नाम काट दिया नहीं नाम काट देगा कोई कारण बताएगा ना कि हम इस कारण से नहीं आए तो नाम फिर जुटे जुटेगा उसमें ऐसा थोड़े कि नाम काट जाएगा तो फिर दोबारा नाम लिखाएगा ही नहीं उसमें जरूर कुछ ऐसा कारण दिया होगा इतना ब्लाइंड ऑर्डर नहीं हो सकता अगर ऐसा जो है बता रहे हैं इतना ब्लाइंड अगर ऑर्डर होगा तो फिर मामला जाएगा कोर्ट मामला फिर फिर, फिर कोर्ट जा चला जाएगा मामला ऐसा नहीं ऑर्डर मतलब हो चुका फिर के के पाठक की तो तीन दिन हो या सात दिन हो या दस किसी घर में घटना हो जाए मरनी हरनी हो जाए बीमारी हाँ। सीमारी हो जाए कोई बाहर चला जाए तो अपसेंट तो होगा स्कूल से अब्सेंट वाले उन्होंने कहा 75 परसेंट या 72 परसेंट कुछ कहा है पहले 52 परसेंट सुने थे लेकिन 72 टू हम लोग स्वयं तो 85 परसेंट तक गया हुआ था अटेंडेंस है और अभी हम लोग हमारा लड़का जहाँ पर है वो बॉम्बे में उसका संडे को भी छुट्टी उस पर नहीं मिलती है लगातार वो लोग बाबा चूँकि पेमेंट वहाँ से मिलता है सेकेंडरी एजुकेशन में है तो कहता है पापा हम लोग छुट्टी नहीं मिलती है तो अटेंडेंस तो होना है कि हम लोग कोर्ट में कहाँ ऑब्सेंट रहते हैं तबीयत ख़राब है फीवर है दवा खा के पैरास्टामोल खा के हम लोग इसको जाकर कोर्ट में काम करते हुँ। हुँ। हैं तो बच्चों को यह शिक्षा दे दीजिए कल से रेगुलर स्कूल जाए नियमित स्कूल जाना भी एक शिक्षा है और इसको अगर इन्फोर्स वो कर रहे हैं साथ साथ हम लोगों ने कल यह भी सुना किसी स्कूल में वो बैठने की जगह नहीं थी और लोग गए तो बीओ के ऊपर हमला कर दिया ये सब चीज़ें बेल्कुल, थोड़ी बेल्कुल, होनी, बेल्कुल, थी। तो होनी चाहिए बैठने की जगह तो होनी ही चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो शिक्षक काबिल हो पढ़ाने के लायक शिक्षक को अभी पी एस सी द्वारा बहाली हो रही है काबिल शिक्षक आ जाएंगे जिस दिन सरकारी शिक्षा सही हो गई बिहार का बहुत बड़ा लाभ होगा मतलब कह रहे हैं कि बिहार के के पाठक साहब कर रहे हैं थोड़ा सा प्रबंधन तरीके से करें हाँ। तो अमर हो जाएंगे बिहार में क्योंकि बिहार के बच्चों को सरकारी स्कूल में सही शिक्षा मिल जाए तो निजी स्कूल का दुकान बंद हो जाए दुकान बंद दुकान हो जाए जा और बच्चे जो बिहार में पढ़ने वाले लोग हैं पढ़ पढ़ के काफ़ी चूंकि यहाँ बिहार में और कोई इंडस्ट्री नहीं है एजुकेशन एक मात्र इंडस्ट्री हुँ। है हुँ। इसी इंडस्ट्री से लोग पढ़ पढ़ कर निकलेंगे तो हम तो साधुवाद उनको देना चाहेंगे कि बच्चे स्कूल जाएँ शिक्षक भी स्कूल आवें जब शिक्षक गाँव के लोगों से पूछिए हम तो जहाँ तहाँ का दो आदमी से पूछे बोला नहीं नहीं अब तो स्कूल में टीचर जा रहे हैं बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई भी हो रही है ये तो अच्छी बात है तरीका थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा। टफ हो रहा है लेकिन सम टोटल ये है कि गाड़ी बिल्कुल बेपटरी हो गई थी सरकारी स्कूल सही हो जाए लेकिन तरीके में बदलाव की योग्य से योग्य शिक्षक हो जाए साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे शिक्षकों को सम्मान भी मिलना चाहिए और सम्मान नहीं हो शिक्षकों के साथ जी जी। लेकिन जो शिक्षक शिक्षा ब, शिक्षक बन के ठेकेदारी करते हों दलाली करते हों स्कूल नहीं जाते हों बच्चों को पढ़ाते नहीं हों विषय की कोई जानकारी नहीं हो उनको शिक्षक बनने का को अधिकार कोई नहीं अधिकार नहीं है शिक्षक को समाज में सम्मान इसलिए मिलता हुँ, है हुँ, वो शिक्षा देते हैं अगर शिक्षा नहीं देखें दुकान बहुत शिक्षक ट्यूशन करने के नाम पर स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं ये तो हम लोग समय में भी होता था अगर ऐसे लोगों पर एक्शन होता है तो क्या गलत है होना चाहिए एक्शन तरीका थोड़ा सा बच्चों पर इस तरह का एक्शन बच्चों पर एक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों पर एक्शन होगा तो मामला बिगड़ जाएगा बच्चा कारण कारण्सेंट होता है तीन हो दिन हो जाए एबसेंट सात दिन एबसेंट हो दस दिन एक महीना एबसेंट हो जाए बीमार होगा तो एबसेंट नहीं होगा घर में कोई बीमार होगा तो एब्सेंट नहीं होगा बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब देखिए साफ साफ कह दिया है कि तरीकों में थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश अब भी बची हुई है देखिए साफ साफ कह दिया है कि अगर बच्चों पे एक्शन हो जाएगा तो मामला बिगड़ सकता है तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया